हमारे माशरे में देखे ना, एक तो शॉर्टकट वाला बड़ा मसला है, और हम ये देखते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, बट उसके पीछे जो जर्नी है ना, वो जर्नी कोई नहीं देख रहा। मेरा स्टार्ट 2005 में हुआ, मेरे कैरियर से मेरी जॉब स्टार्ट की, तो उसके बाद एक स्ट्रगलिंग फेस जारी रहा मेरा। तो मैंने चूज़ फील्ड मेरी जो रही थी ना, वो मार्केटिंग की ही रही थी मेरी ना, कि मैंने मार्केटिंग में ही फील्ड में मैंने स्टार्ट लिया था। तो जब मार्केटिंग में करता रहा तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर मैंने जॉब्स की। जॉब करने के बाद यही था कि जाहिर है उस टाइम एक जिम्मेदारियाँ थी, चीज़ें थी, मैं अनमैरिड था। फिर जब शादी हुई तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, मज़ीद किसी अच्छी जॉब के लिए जाते हैं। तो फिर मैंने एक दूसरी कंपनी में, एक इदारे में काम किया, पर वही वाली बात कि मार्केटिंग फील्ड नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया कि मैं एक मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ और मुझे यही काम आता है। एक स्किल समझ में आया मुझे कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये स्किल दिया है, तो उसके समझने के लिए पहले आपको मैदान में उतरना पड़ता है। ।2014 में मैं रियल इस्टेट की दुनिया में आया, और बड़े करीब से देखा मैंने उसको। तो मैंने उस टाइम, मुझे याद है कि मैंने एक 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 प्रोजेक्ट से शुरू किया था, तो उस टाइम मुझे काम भी चाहिए था ना, क्योंकि आप बगैर प्रोडक्ट के, बग़ैर काम के कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट लिया इस एक कमरे से, ये एक रूम था मेरे पास। तो मैंने एक प्रोजेक्ट से बात की मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपको ट्रायल बेस पे देते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ 4 या 5 प्लॉट्स दिए थे बेचने के लिए ना। बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस होती है कि आप जब किसी चीज़ का इरादा करते हो तो मदद फिर अल्लाह ताला से मिलती है, और हाँ, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। तो मेरी मंजिल यही थी कि मुझे बहुत आगे जाना है, तो मैंने तवक्कल अल्लाह किया, कि अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैं दोबारा वापस फिर उनके पास गया। मैंने कहा, जी डील हो गई है मेरी, लाएँ मेरे पैसे। वो मुझसे ज़्यादा सरप्राइज हुए कि ये कैसे हो गया। मुझे याद है उस टाइम मुझे मतलब 20,000 रुपये मुझे वो एक पहला रिबेट मिला। तो मैंने कहा कि जब ये 4 प्लॉट में सेल कर सकता हूँ, वाई नॉट आगे अब कुछ और सोचते हैं। तो उन्होंने, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा, जी मैंने, आपने मुझे जो टारगेट दिया था वो मैंने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाओ। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा एक मैप रखा और कहा कि ठीक है। फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर मैंने आया, मैं अपने ऑफिस बैठा, यहाँ बैठा मैं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उस 20,000 रुपये में से जो पहली टिप थी वो मैंने अपने प्यून को दी। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि अल्लाह के सिवा किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी है, और अल्लाह इस चीज़ में राज़ी है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे बंदों में दो। आपको कुछ भी करने के लिए ना, मैं ख़ास तौर पे ये जो हमारे यंगस्टर भाई हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि कुछ भी करने से पहले आपको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्सिटीज़, ये स्कूल, ये एक प्रोसेस है आपकी ज़िंदगी का, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पर उसके लिए वही बात है, अवेल करना है। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा,